हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका हमारे चैनल द स्पीडी स्ट्रीम में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। बहुत ही जो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? मीन्स दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। संख्या है आपके से, यानी अगर हमारी कहना है जो हमारी पहली संख्या है ना, वो दूसरी की 5 गुनी है। मतलब अगर हमारी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x। यानी जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो अदर नंबर का 5 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि जो अदर नंबर है वो x है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। या मान लीजिए कह रहा होता कि अ पॉजिटिव नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर, तो हमारा मान लीजिए जो दूसरा नंबर है अनदर नंबर वो x है, तो पॉजिटिव नंबर हमारा कितना हो जाता? 3x हो जाता, है ना। या मान लीजिए कह देता कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो अनदर नंबर के 2 टाइम्स है, तो हमारा जो अनदर नंबर है मान लेते x है, तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर हो जाता वो कितना हो जाता? 2x हो जाता, है ना। तो ऐसे ही करते हैं हम, तो वैसे ही सेम हमें लेट भी करना है, ठीक है। कि अब देखिए सेकंड नंबर जो फर्स्ट नंबर है ना, वो सेकंड नंबर का डबल 5 टाइम्स है। तो पहले सबसे पहले क्या राइट करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन राइट करेंगे। अब आगे चलते हैं, लेट दी सेकेंड नंबर, लेट दी सेकेंड नंबर, मतलब अब देखिए दूसरी संख्या पहले क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कह रहा है दूसरी संख्या जो है, सॉरी पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो मतलब दूसरी संख्या की 5 गुनी है ना, तो दूसरी संख्या अगर हमें पता हो हम पहली संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? माना दूसरी संख्या बराबर यस, माना दूसरी संख्या बराबर यस, देन दी फर्स्ट नंबर, मतलब तब पहली संख्या क्या होगी? तो इसमें कह रहा है ना कि जो सेकंड नंबर है या जो अदर नंबर है वो अदर नंबर यानी फर्स्ट नंबर या पॉजिटिव नंबर का क्या है? 5 टाइम। तो जो अदर नंबर है वो क्या है तुम्हारे? सेकंड नंबर का 5 टाइम्स है। जो पॉजिटिव नंबर है वो सेकंड नंबर का 5 टाइम्स है, यानी जो दूसरी संख्या है, सॉरी जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो अब बताइए पहली संख्या जो है दूसरी की 5 गुनी है। तभी मैंने क्या बताया था कि अगर कभी ऐसे आए तो हमेशा संख्या है जो संख्या माने हो उसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? ये 5x हो गया। अब क्या राइट करें हम लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो मैंने और बताया था, कहा था कि अगर कभी भी बोले कि ट्वाइस, कभी भी ट्वाइस आ जाए, थ्राइस आ जाए, टाइम्स आ जाए, या गुना आ जाए, गुनी आ जाए, इसमें से कुछ भी आ जाए, ऐसे कोई भी आ जाए, हमेशा क्या करते हैं, जो भी नंबर लेट किए रहते हैं उसी को बीच में क्या लगा देते हैं? इक्वल लगा देते हैं। जो नंबर लेट किए रहेंगे उसी के बीच में क्या लगा देंगे? इक्वल। तो दो नंबर माने हैं, पहला हमारा नंबर है कौन सा? यस है। दूसरा हमारा नंबर है 5x है। अब हमने कहा था इसमें से कोई भी आएगा तो हम क्या लगा देंगे? दोनों के बीच में इक्वल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इक्वल। हम देख रहे हैं कि कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस, बिकम ट्वाइस, ट्वाइस आ गया ना, मींस क्या लगेगा इन दोनों के बीच में? इक्वल का साइन लगेगा। किसका साइन लगेगा? इक्वल का साइन लगेगा। और देखिए हिंदी में भी देखिए लिखा हुआ है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या
दूसरी की दो गुनी हो जाती, गुनी आया मींस इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यदि प्रत्येक में 21 जोड़ दिया जाए, तो 21 जोड़ दिया जाए मतलब प्रत्येक में मतलब दोनों में, प्लस 21 अगर इसमें भी कर दो, प्लस 21 इसमें भी कर दो, ठीक है, प्लस 21 इसमें भी कर दो, प्लस 21 इसमें भी कर दो, तो क्या कह रहा है आपको कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो क्या हो जाता है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। अब देखिए जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या कौन सी है, ये है ना, इसकी दोगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की, देखिए पहली संख्या तो यही है हमारी, हमने फर्स्ट नंबर क्या माना है, 5x माना है, कि 5x हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर। कह रहा है जो फर्स्ट नंबर है ना वो सेकेंड नंबर के क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डबल होता है, हमेशा जान लीजिए कि अपोजिट चलेंगे, जो डबल होगा उसके अपोजिट साइड में डबल करते हैं। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट नंबर डबल हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें डबल कर देंगे। अगर बोलता कि सेकेंड नंबर इज ट्वाइस टाइम ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट नंबर, देन हम क्या करते कि इसमें टू कर देते कि अब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी हो जाती है, मतलब ये ऑलरेडी दो ज्यादा है ना, तो जब ये ऑलरेडी दो ज्यादा है तो इसमें दो कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर कहता कि दूसरी संख्या पहले की दो गुनी है तो इसमें कर देते, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब ये टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, टू अंजा 2x प्लस से प्लस, अब 21 टू जा 2 अंजा 2, 2 टू जा 4, 21 टू जा 42 इक्वल 5x प्लस 21 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड, तो 2x, अब इसके सामने कोई साइन नहीं, मीन्स कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, हमेशा बताया था कि जहां कोई साइन नहीं होगा वहां जान लेंगे हम प्लस हाइड है, प्लस है वहां पर, तो अब ये प्लस 5x इधर लाएंगे तो माइनस 5x इक्वल 21, अब यहां प्लस 42 है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो माइनस 42, तो अब 5 ये माइनस में है, ये किसमें है, प्लस में, प्लस माइनस, माइनस मैंने कहा था कि अगर एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका होगा, माइनस का राइट किया जाएगा, तो 5 में से 2 गए कितना होगा 3x इक्वल। अब साइन माइनस का क्यों लिखा, जिसके सामने ज्यादा गिनती होती है हमेशा, जो बड़े होते हैं उन्हीं की चलती है, घर पे भी उन्हीं की चलती है, तब यहां पर भी तो उन्हीं की चलेगी क्योंकि 5 क्या है, बड़े हैं, और जो बड़े होंगे उन्हीं की चलेगी, तो इन्हीं की चलेगी, इसलिए माइनस का साइन राइट किया गया है। अब 42 में से 21 माइनस करेंगे, 42 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गए 1, 4 में से 2 गए 2, तो कितना आ गया 21 आ गया। साइन कौन सा राइट करेंगे, यहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस, तो हमने कहा था जो बड़े होंगे उन्हीं की चलेगी, तो बड़े कौन है 42, मींस 42 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस हो जाएगा 21। अब x से x इक्वल -21 इधर 3 किसमें है, अब देखिए इस साइन से आपको मतलब नहीं, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, तो x और 3 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ये उधर जाएगा किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो अपान -3, चलते हैं इसको काटते हैं, तो -21 अपान -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, तो x इक्वल कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। नंबर्स पूछ रहा है तो क्या राइट कर देंगे, हियर दी सेकेंड नंबर इक्वल यक्स, यक्स मीन्स कितना 7, तो यहां क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर 7 एंड फर्स्ट नंबर
इक्वल 5xx मींस 5x, तो ये क्या हो जाएगा दो, और पहली संख्या बराबर कितना है 5x, ठीक है, कितना है 5x, यानी 5 इंटू 5 इंटू x की वैल्यू 7, तो क्या हो जाएगा 35। तो ये हो गया आपका आंसर। अब अगर आपको आंसर चेक करना हो कि आंसर हमारा चेक करना है, कैसे चेक करें कैसे ना करें, तो एक दो काम कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे x की वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लो, देख लो दोनों इक्वल आ जाए तो सही है, या फिर यहाँ पर देखो जो निकाले हो, फाइंड आउट की हो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो क्या ये देख लो कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या सेकेंड नंबर का 5 times है, और अगर है तो सही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है 35 है और सेकेंड नंबर हमारा 7 है, तो 7 को अगर 35 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। मीन्स हमारा फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर के 5 times है, हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, और हमें लगता है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।